आमिर खान ने दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे के ट्रेलर की जमकर तारीफ की। आमिर खान का कहना है कि इस फिल्म को देखने के लिए वो काफी एक्साइटेड है। आमिर ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखी ये बात। वहीं अक्षय कुमार ने भी फिल्म को लेकर ट्विटर पर लिखी अपनी मन की बात। एकता कपूर की फिल्म जजमेंटल है कि आज एक सुपरहिट मूवी साबित हो चुकी है, लेकिन क्या होता अगर कंगना रनौत और राजकुमार राव फिल्म जजमेंटल है क्या को करने से मना कर देते। इस पर राइटर कनिका ढिल्लो और डायरेक्टर प्रकाश कोवेला मुड़ी ने स्पॉट बॉय को दिया रिएक्शन। दोनों ने कंगना और राजकुमार राव की तारीफ करते हुए कहा कि ये फिल्म कोई ए लिस्ट एक्टर्स नहीं करते, क्योंकि फिल्म एक बोल्ड सब्जेक्ट थी और इस रिस्क भरे कैरेक्टर को लेने से पहले डरते कि बॉक्स ऑफिस कैसे रेस्पॉन्स करेगा। फिल्म आपने देखी है तो क्या आपको लगता है कि कंगना और राजकुमार के अलावा ये रोल कोई और एक्टर निभा पाता? भाई अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के रिलेशनशिप पर पहली बार अंशुला कपूर ने दिया बयान। मिडडे से बातचीत के दौरान अंशुला ने कहा, वो मुझसे 6 साल बड़े है, हम एक दूसरे की डेटिंग लाइफ के बारे में बात नहीं करते, हमारे लिए बहुत ही ऑकवर्ड होता है। आपको बता दें कि अर्जुन और मलाइका एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द दोनों की शादी की खबरें गॉसिप गलियारों में गर्म है। शादी करने के बाद अब राखी सावंत ने बेबी प्लानिंग पर दिया बयान। राखी ने स्पॉट बॉय वेबसाइट से कहा कि वो अगले साल 2020 में बच्चे प्लान कर रही है। आपको बता दें कि गुपचुप तरीके से राखी ने यूके के एक एनआरआई रितेश से शादी की, हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से। राखी ने ये भी बताया कि उनकी फैमिली काफी खुश है। रणवीर सिंह का एक वीडियो आज खूब पसंद किया जा रहा है। वो अपने घुटने पर बैठ गए और एक वृद्ध महिला को एक फूल देते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह ने इस मौके पर वृद्ध महिला का आशीर्वाद भी लिया, उन्हें फूल देकर उनका दिल भी जीतने की कोशिश की। रणवीर अपनी अगली फिल्म 83 की शूटिंग के लिए लंदन गए हैं। हाल ही में रणवीर सिंह लंदन के साउथ हॉल गए थे और वहीं से उनका ये वीडियो वायरल हुआ। बिकिनी पहने प्रियंका चोपड़ा का दिखा ग्लैमरस अंदाज। मायामी वेकेशन से सामने आई प्रियंका की कुछ और तस्वीरें। प्रियंका वॉयलेट कलर की बिकिनी में नजर आ रही है। जूम की रिपोर्ट की माने तो प्रियंका का ये स्विम सूट $195 यानी कुछ 13,585 रुपए का है। इससे पहले मायामी से प्रियंका की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमे प्रियंका सिगरेट पीते दिखाई दे रही थी। सलमान खान के डिप्रेशन पर दिए कमेंट पर दीपिका पादुकोण ने दिया रिएक्शन। एक मैगजीन से बात करते हुए दीपिका ने एक बार फिर डिप्रेशन टॉपिक पर बात की। पिंक विला वेबसाइट के मुताबिक दीपिका ने सलमान के डिप्रेशन पर दिए कमेंट पर बात करते हुए कहा कि लोग डिप्रेशन को थोड़ा बहुत उदास या दुखी होने जैसा समझ लेते हैं। उन्होंने कहा, एक मेल स्टार ने हाल ही में कहा था कि उनके पास डिप्रेशन में जाने की लग्जरी नहीं है, जैसे डिप्रेशन में जाना कोई चॉइस हो। आपको बता दें कि सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डिप्रेशन से जूझ रहे बहुत से लोग छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आलिया भट्ट अपने शरीर पर गोंदवाना चाहती है रणबीर कपूर से रिलेटेड एक टैटू। न उनके नाम का, न इनिशियल्स, न कोई फोटो। आलिया नंबर 8 का टैटू अपने बॉडी पर बनाना पसंद करेंगी। इस बात का खुलासा आलिया ने अपने यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर की है। अगर आप रणबीर कपूर के फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि नंबर 8 रणबीर का लकी नंबर है। बताते चले कि पिछले साल आलिया ने नंबर 8 की जर्सी पहनकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो भी शेयर की थी। कंगना रनौत से अपनी कंपैरिजन पर तापसी पन्नू ने दिया रिएक्शन। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कंगना नहीं बल्कि असल मायनों में तापसी पन्नू है बॉलीवुड की नई क्वीन। इस पर तापसी ने ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लिखा, अरे अरे ऐसे मत बोलिए, क्वीन उनको ही रहने दीजिए, नहीं तो फिर कॉपी कहलाऊंगी। मैं एक एक्टर ही सही हूँ, बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, धन्यवाद। आपको बता दे कि कुछ टाइम पहले कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू को कंगना की सस्ती कॉपी कहा था। जम्मू कश्मीर से सेक्शन 370 को हटाने के ऐलान के बाद बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की कंगना ने। भारतवासियों को इस ऐतिहासिक फैसले पर दी बधाई। आर्टिकल 370 हटा दिए जाने पर कंगना के अलावा अनगिनत बॉलीवुड सितारों ने भी दिया रिएक्शन। देखिए सभी के ट्वीट्स।